गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सब पाठ 16 पढ़ रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का संस्मरण, वे अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। हम लोग पढ़े इसमें, उन्होंने बताया कि इनका जन्म बड़े संपन्न परिवार में हुआ और इनका देखभाल नौकर चाकर ने किया। एक नौकर के विषय में ये विशेष रूप से बताते हैं, ब्रजेश के बारे में, जिसका बाल भूरा था, दाढ़ी भी भूरा था और ये पतला दुबला शांत स्वभाव का था, लेकिन खाने पीने का बड़ा लालची और छुआछूत के मामले में बड़ा कठोर था। तो यह इनकी देखभाल करता था और इनको खाना कम ही देता था खाने के लिए, लेकिन ये बताते हैं कम खाना खाकर ये कमजोर नहीं हुए, हमेशा स्वस्थ थे, ताकतवर ही थे। ये बताते हैं कि यह नौकर चाकर कहीं दूसरे जगह काम करने जाता तो इनको कहानी के आधार पर बांध कर भी जाता, मतलब इनको खिड़की के सामने खड़ा कर देता और खड़िया से एक उजली मिट्टी से एक लाइन खींच देता कि इसके बाहर मत जाना, नहीं तो राक्षस पकड़ लेगा। तो इस तरह अब ये कहते हैं जब और ये बड़े हो गए तो फिर नौकर चाकर की देखरेख से छूट गए। अब ये अपने भाई बहन से मिल सकते थे, माता पिता से मिल सकते थे। और ये 14 भाई बहन थे, इनकी जो सबसे बड़ी बहन थी उनका जो लड़का था, इनका भांजा, ये बताते हैं सत्य और सौमेंद्र इनके बचपन के साथी थे। सत्य तो इनको डराया करता था हमेशा, शांति निकेतन मत जाना, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी से जाना रहता और रेलगाड़ी का की यात्रा बड़ा खतरनाक यात्रा है, वो तो सीधे मौत का फंदा है, क्योंकि वो जब चलती है तो लोगों को जो अंदर बैठे हैं उनको इधर उधर फेंकते हुए चलती। लेकिन ये बताते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि रेलगाड़ी की यात्रा तो बड़ा सुखद यात्रा थी, ये इनको पता चला। अब ये बताते हैं कि बचपन में एक मास्टर साहब इनको पढ़ाने आते थे और एक समय की बात ये बता रहे हैं कि बारिश हो गई थी और ये सोच रहे थे कि आज मास्टर साहब नहीं आए, रास्ते में कीचड़ और पानी भरा हुआ था, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि मास्टर साहब नहीं आए और खुश हो रहे थे, लेकिन मास्टर साहब आ ही गए, उनका वो पुराना छाता लिए वो पहुंच ही गए। अब क्या करते, इनको पढ़ना था, लेकिन ये बताते हैं कि मास्टर साहब आए पढ़ाने लगे तो ये नींद भी आ गई और जब मास्टर साहब चले गए तो नींद भी चली गई। अब ये बताते हैं कि शुरू शुरू में स्कूल जाने के लिए मचलते थे दूसरों को देखकर, तो इनके मास्टर साहब बड़े नाराज होते, कहते थे तुम अभी स्कूल जाने के लिए तुम अभी रोते हो, एक समय आएगा कि तुम स्कूल नहीं जाने के लिए रोगे। और सचमुच ऐसा दिन आया। ये बताते हैं कि जब ये स्कूल गए तो कुछ ही दिनों में इनको स्कूल से नफरत हो गई। अब ये बता रहे हैं कि इनको किसी कमरे में बंद होकर पढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता, प्रकृति में खुले पढ़ना लिखना इनको अच्छा लगता था, इसलिए स्कूल से छुट्टी के हमेशा ये उपाय सोचते थे कि किस तरह छुट्टी मिल जाए। इसलिए घर में एक मुंशी जी आते थे अरबी फारसी पढ़ाने के लिए दूसरे इनके भाई बहनों को या भांजे लोगों को, तो उनसे ये अर्जी लिखवाते थे वर्ग शिक्षक के लिए, क्लास टीचर के लिए, छुट्टी लेने के लिए। लेकिन ये बताते हैं कि स्कूल में इनको साइंस का क्लास और ड्राइंग का क्लास, विज्ञान और चित्रकला का क्लास अच्छा लगता था। अब ये कहते हैं कि उसी समय इन्होंने कविता लिखना शुरू किया, कविता लिखने में इनकी रुचि थी, ये एक दो चार लाइन की कविता लिखते और अपने पैकेट में रख लेते और घूमते रहते और जिसको और सबको दिखाते, अपने दोस्त सत्य को सौमेंद्र को दिखाते, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हुआ कि ये इतने छोटे अवस्था में ये इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, यहां तक कि ये अपने शिक्षक को भी दिखाते थे तो शिक्षक पढ़ते थे, हंसते थे और बड़ी प्रशंसा करते थे, इनकी तारीफ करते थे। ये बात इनके पिताजी के पास भी पहुंच गई तो पिताजी भी ने इनकी कविता पढ़ी और पिताजी बड़े खुश हुए, मुस्कुराए। हालांकि स्कूल इनको पसंद नहीं था लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई लिखाई जारी रही, मुख्य रूप से इनकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही विभिन्न तरह की भाषा इन्होंने सीखा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत, सब जो कुछ भी उस समय पढ़ा जाता था विषय के रूप में वो सारा ज्ञान मुख्य रूप से इनको घर में ही दिया गया। इनको ये भी विशेष रूप से बताया गया कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखना चाहिए, इनके घर में शरीर को स्वस्थ रखने पर बड़ा जोर दिया जाता,
तो ये बताते हैं कि ये ज्ञान हमको घर में ही मिला, घर से ही मिला कि क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे साफ सुथरा रहें, अपने शरीर को कसरत से विभिन्न तरह के व्यायाम से कैसे मजबूत रखें, ये इनको घर में शिक्षा मिली। यहाँ तक कि संगीत विद्या, इनके घर में ऐसा माहौल था संगीत का, कविता का, नाटक का, बड़े पढ़े लिखे संपन्न परिवार में ये उत्पन्न हुए थे, तो ये इनके घर में संगीत गूंजते रहते थे, तो संगीत की भी इन्होंने शिक्षा ली और तरह तरह के लोग इनके घर आते जाते थे जो विभिन्न विषयों में अलग अलग विद्वान होते थे, तो उनसे भी इनको बहुत सीखने को मिलता था। इनके अंदर वास्तव में ज्ञान, कुछ नया जानने सीखने की रुचि इनको बचपन से ही उत्पन्न हो गई। ये बताते हैं वह समय बचपन का समय बड़ा बहुत अच्छा था। ये कहते हैं घर में रहकर बड़ी मजा आता था, कभी कोई भालू नचाने वाला, कोई बंदर का तमाशा दिखाने वाला, कोई सांप का खेल दिखाने वाला आ जाता था, कोई नाटक दिखाता था, तो कोई बाजीगरी, कोई जादू दिखाता था, यह सब देखकर उनको बड़ा मजा आता। अब ये बताते हैं कि घर में केवल इतना ही नहीं, घर में प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा आदर्श क्या होना चाहिए जीवन में, हमको किन आदर्शों पर चलना चाहिए और इन रीति रिवाजों का क्या महत्व है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है वगैरह, दूसरे लोगों के साथ हम किस प्रकार व्यवहार करें, दूसरे के धर्म का किस प्रकार आदर करें, ये सारा ज्ञान इनको घर में मिलता था। ये बताते हैं कि ये सब कुछ हमको सिखाया जाता था कि हम दूसरों के रीति रिवाजों का किस तरह आदर करें, अपने रीति रिवाजों का किस तरह पालन करें। ये बताते हैं मुझे रामायण और महाभारत से तो विशेष लगाव हो चुका, चूंकि इनको बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियां इनके नौकर सुनाते थे और उनसे प्रेरित होकर उनसे मिले ज्ञान को अभी तक संयोज कर रखे थे ये। अब ये कहते हैं कि प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि इसी समय इनको जगी। इन्होंने देखा कि बहुत प्राचीन प्राचीन ग्रंथ जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है इनके घर में है, तो उन किताबों में क्या लिखी गई है, क्या ज्ञान, क्या बताया गया, ये जानना चाहते थे, उसको पढ़ना चाहते थे। लेकिन वे सब किताबें सोने के रूम में, सोने के रूम में मतलब कि बेडरूम में, अलमारियों में बंद रहती थी, ताला लगे रहते थे उसमें। अब यदि पढ़ना है तो ताला खोलना पड़ेगा, और यदि घर में किसी से मांगे कि हमको जो इतनी सुरक्षित है और इतना महत्वपूर्ण किताब है जिसको एकदम सुरक्षा में रखा गया है, सुरक्षित करके, तो ये इनको पता था कि हम इन पुस्तकों को पढ़ना चाहेंगे, मांगेंगे तो घर में कोई नहीं देगा, क्योंकि हमारी ऐसी अवस्था है, छोटी अवस्था है, और इसको पढ़ना है, पढ़ने की इतनी रुचि है, तो ये क्या करते थे। ये बताते हैं कि इन अलमारियों की चाबी इनकी चाची के साड़ी में बंधा होता था, तो इन किताबों को पढ़ने के लिए वे कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छे भी चुरा लेते थे, और जब पिताजी कहीं यात्रा पर गए रहते थे या घर में नहीं होते थे तो चुपचाप कमरे में घुस जाते और उन अलमारियों को खोलकर उन किताबों को निकालकर देखते थे और पिताजी की ही कुर्सी पर बैठकर उनको पढ़ते थे। तो इस प्रकार बचपन में ज्ञान अर्जित करने का, पढ़ने की रुचि इनकी इतनी जागृत थी, जानने की, सीखने की, कि ये इसके लिए छोटी मोटी चोरी भी कर लेते थे। अब ये कहते हैं जब मैं 12 वर्ष का था, जब ये कुछ और बड़े हो गए, 12 वर्ष के हो गए, तो ये कहते हैं मेरा उपनयन संस्कार किया गया। मनुष्य के जीवन में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी समय से संस्कार शुरू होता है ना, उसी समय से संस्कार शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत में दाह संस्कार तक, जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसको दाह संस्कार कहते हैं। तो इस
इस क्रम में 16 संस्कार गिने जाते हैं, जिसमें कि एक पांचवा या छठा संस्कार है जो बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है, जहां से कि विद्या अध्ययन शुरू माना जाता है, उसको हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। उसमें उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें बड़े बड़े आदर्शों को जीवन में अपनाते हैं, सत्य प्रेम अहिंसा पर चलेंगे, जनेऊ पहनते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, विद्या अध्ययन शुरू करते हैं, अपने ज्ञान बल, शरीर शारीरिक बल और ज्ञान बल और चरित्र बल को ऊंचा उठाने के लिए हम अपने मन को केंद्रित करते हैं और सारी चेष्टाओं को बस इसी को अर्जित करने में लगाते हैं। तो ये उपनयन संस्कार है। इसमें क्या होता है, इस संस्कार में रीति रिवाज है, सर मुड़ाते हैं, केसरिया कपड़ा पहनाते हैं और विभिन्न तरह का धार्मिक क्रियाकलाप है। तो ये कहते हैं कि ये उपनयन संस्कार इनका किया गया 12 वर्ष में, केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुड़ाकर कमरे में गायत्री मंत्र का जप करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये कहते हैं हमको बड़ा मजा आता था कि सर मुड़ा हुआ है, केसरिया कपड़ा पहने और बैठकर ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र जप रहे, इस बात में इनको ये बताते हैं बहुत मजा आता था। धन्यवाद। इसके आगे हम बताएंगे।